बीएड एलिजिबिलिटी 2023। काफ़ी स्टूडेंट के डाउट्स थे कि सर बीएड के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए खास रहने वाले जो 2023 में बीएड के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड स्टेट के हो या अदर स्टेट के हो। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी की रिगार्डिंग। तो ध्यान देना स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अपेयरिंग स्टूडेंट है, अपेयरिंग का कहने का मतलब ऐसे स्टूडेंट जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम 2023 में, चाहे वो बीए वाले हो, बीएससी वाले हो, बीकॉम वाले हो, अपना एग्ज़ाम यहाँ पे, चाहे वो सिक्स सेमेस्टर की बात करें या थर्ड ईयर की बात करें, एग्ज़ाम देंगे हो, तमाम स्टूडेंट बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, जो आपका परसेंटेज है आफ्टर रिज़ल्ट के बाद, यहाँ पे हो स्टूडेंट भी इंक्लूड होंगे जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है। उन स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा जो आपका परसेंटेज है तीनों ईयर का ग्रेजुएशन में, वो जनरल कैटेगरी अगर आपकी है तो 50% आपका कंपलसरी यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस है तो आपकी जो परसेंटेज है 45% यहाँ पे ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट, अगर आपकी परसेंटेज जनरल ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वालों की ग्रेजुएशन में 50% या 45% नहीं है, देन आप पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे या पीजी का जो कोर्सेज होता है, चाहे मास्टर प्रोग्राम की बात करें, उस बेस पे भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। बरसते कि आपके जो परसेंटेज है पीजी में जनरल कैटेगरी वालों के 50 और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी वालों के 45% होंगे, देन पीजी के बेस पे भी आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। आई होप एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग तमाम स्टूडेंट के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड में बीएड के रिगार्डिंग, कहाँ कैसे आपको फॉर्म बनना है, कौन इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हेमवंती नंदन बोगड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की, जो आपकी सेंट्रल बेस्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे रहने वाली है और जो एग्ज़ाम होता है सीयूटी बेस पे यहाँ पे होता है। ध्यान देना स्टूडेंट, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ प्रोवाइड की है, वीडियो के लास्ट में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ध्यान देना स्टूडेंट, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहती है, 1/4 आपके यहाँ पे मार्किंग होती है, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है, इसके रिगार्डिंग मैंने फुल डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। सेम यहाँ पे सेकंड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सिद्धी सुमन यूनिवर्सिटी की, तो इसका जो एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है, लेकिन ध्यान देना स्टूडेंट इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है। थर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, तो कुमाऊं यूनिवर्सिटी में भी सेम पैटर्न आपका यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराती है, यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। चौथी जो यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड में, सोबन सिंह जिन्ना यूनिवर्सिटी है, और ये भी आपकी एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ही कंडक्ट कराती है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। आई होप एलिजिबिलिटी और कहाँ कहाँ से आप बीएड, कितने डिस्ट्रिक्ट से आप, सॉरी कितने यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। अनदर क्वेरी आपकी है बीएड के रिगार्डिंग तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और ऐसी अपडेट्स के लिए मेरा चैनल अपडेट बाय नब्बू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।